नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। कांग्रेस ने बुधवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर पार्टी के बैंक खातों से 65 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया है। पार्टी पर 115 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया था। कांग्रेस ने कहा कि टैक्स रिटर्न का मामला ITAT में लंबित है। IT डिपार्टमेंट ने गैर लोकतांत्रिक तरीके से मंगलवार को पैसे निकाले हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर ITAT में शिकायत की है। कांग्रेस ने मामले का निपटारा होने तक मामले में कोई कार्रवाई न करने की अपील की है। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि अगर जांच एजेंसियों की कार्रवाई अनियंत्रित हो गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कांग्रेस को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। इससे पहले 16 फरवरी को कांग्रेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। इसके कुछ घंटों बाद इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के फ्रीज खातों पर लगी रोक हटा दी थी। कांग्रेस ने ट्रिब्यूनल में एक याचिका भी लगाई थी जिस पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की गई थी। अजय माकन ने 16 फरवरी को कहा था, हमें 14 फरवरी को जानकारी मिली कि बैंकों ने पार्टी के द्वारा जारी किए गए चेक रोक दिए हैं। वे हमारे चेक क्लियर नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी के खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्राउड फंडिंग वाले अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। माकन ने कहा, अभी हमारे पास बिजली का बिल भरने के लिए और अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। अकाउंट फ्रीज होने के कारण न केवल भारत जोड़ो न्याय यात्रा बल्कि पार्टी की सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। यह लोकतंत्र को फ्रीज करने जैसा है। अजय माकन ने बताया कि पार्टी से 2018-2019 के इनकम टैक्स रिटर्न के बेस पर 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है। अभी 2024 चल रहा है और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण, हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट सबमिट करने थे। शायद 40 दिन लेट अकाउंट सबमिट किया गया। अक्सर लोग 10-15 दिन लेट हो जाते हैं। दूसरा कारण, 2018-2019 इलेक्शन का साल था। उस समय 199 करोड़ रुपए की रसीद कांग्रेस पार्टी के पास थी जो खर्च हुई थी। उसमें से केवल 14,40,000 रुपये हमारे सांसद और विधायकों ने अपनी एक महीने की तनख्वाह कैश में जमा करवाई थी। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी पर 210 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगा दी गई है। माकन ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के खातों पर एक लिमिट लगा दी है जिसके तहत उनके खातों में 115 करोड़ रहने ही चाहिए। पार्टी इस रकम का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इससे अधिक रुपए होने पर ही पार्टी को खर्च करने की अनुमति दी गई है। माकन ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं, बहुत शर्म की बात है। भाजपा ने असंवैधानिक रूप से जो पैसे अपने अकाउंट में डाले हैं उसे सील किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन पैसों को असंवैधानिक तरीके से इकट्ठा करना बताया है, इसे सील करना चाहिए। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।